जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि 25 मार्च से 14 अप्रैल तक जो है पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है, जिसके तहत लोगों के मूवमेंट के ऊपर, बॉर्डर पर मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है और उसका काफ़ी ऑपरेशन जो है हमें दादरा नगर हवेली की जनता का देखने को मिल रहा है। हमने यहाँ पर जितने भी फोर व्हीलर्स के मूवमेंट थे, जितने भी प्राइवेट मूवमेंट्स थे, वो सारे मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं और जनता भी जो है इसमें काफ़ी कोऑपरेट कर रही है। जहाँ तक एसेंशियल कमोडिटीज़ का सवाल है, हमारे यहाँ पे किसी भी कमोडिटी की शॉर्टेज नहीं है। आलू, कांदा, सब्जियाँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रिटेल शॉप पे या होलसेल मार्केट में जो है ड्राई राशंस, मिल्क पाउडर, मिल्क अवेलेबिलिटी, सभी आइटम्स हमारे यहाँ पे नॉर्मल रेट पे उपलब्ध है। इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी आइटम्स आगे आने वाले दिनों में भी उपलब्ध रहेंगे। मार्केट्स जो एसेंशियल आइटम्स प्रोवाइड करती है वो खुली रहेंगी, इसीलिए आप इसमें किसी तरह की चिंता ना करें और लिमिटेड मात्रा में ही इसको खरीदें। हमारे यहाँ पे जहाँ से भी सर ये सभी माल आते हैं वहाँ पर भी बात कर ली गई है और इसको किस तरीके से जो है उपलब्ध कराया जाए उसका भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। इसीलिए इन आइटम्स की कोई हमारे यहाँ पे कोई कमी नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर कोई कंप्लेंट होता है, कोई डाउट होता है या किसी भी तरह के ग्रीवांस है तो आप 1077, मैं फिर से बता रहा हूँ 1077 इस नंबर पे कॉल, आप अपनी हमें कोई भी कंप्लेंट या जानकारी दे सकते हैं जिसके ऊपर फिर एक्शन होगा। हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, पुलिस की, फायर की, मेडिकल की, जिला पंचायत और डिस्ट्रिक्ट SMC की, वो सभी सर्विसेज चालू हैं और हमारे सभी लोग जो है फील्ड पे तैनात है, काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सभी सर्विसेज हम लोग जो है टाइमली यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अगर कोरोना रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वो आप हमें 104 पर डायल करके पता कर सकते हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस कोरोना वायरस की जंग में दादरा नगर हवेली की जनता हमें समर्थन दे और आप अपने घर से बाहर ना निकले। मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आप अपने घर के बाहर ना निकले और केवल एसेंशियल सर्विसेज की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो घर का सिर्फ एक आदमी बाहर निकले और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तभी आप बाहर निकले। किसी भी सूचना के लिए या किसी भी क्वेश्चन के लिए आप 1077 डायल कर सकते हैं। धन्यवाद।